हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस कपड़े से नाइट वेयर गाउन बनाने वाले हैं लेडीज़ का। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये गाउन हम पुराने गाउन को खोलकर उसे इस पर रखकर कट करने वाले हैं। ये हमारा पुराना गाउन था जिसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी थी। अब मुझे यहाँ से खोल लेना है और यहाँ से सारी सिलाई खोल लेनी है बस, और पीछे से भी यहीं से। और इस तरह जो भाग है ये वाला भाग, ये भाग और ये हमें खोल लेना है और इसे नए कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेनी है। अब हमने पुराने गाउन की सारी सिलाई खोलकर सारे भाग अलग अलग कर लिए हैं। ये हमारे ऊपर का पल्ला, ये नीचे का घेर और ये स्लीव्स। इस तरह के 2 स्लीव्स हैं और इस तरह के 2 पल्ले हैं। और ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग, इसकी हमने कंधे की सिलाई नहीं खोली है। अब इस ऑरेंज कपड़े को हमने डबल कर लिया है और उस पर ये भाग रख लिया है। इसके लिए हमें 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगा डबल करने के बाद, और हमारा 70 सेंटीमीटर कपड़ा बचा हुआ था जिसमें से हमने ये भाग कट किया है। हमने डबल कपड़ा लिया था, इसे हमने और फोल्ड किया और ये हमारा जो भाग था इसे भी हमने इस तरह फोल्ड करके इस पर रखकर कटिंग कर ली है। हमने थोड़ा सा बड़ा भाग लिया है सिलाई में जाने के लिए। और इसी तरह हमने ये भाग भी कट कर लिया है इस तरह से। ये हमारे 2 पल्ले हैं, ये हमारा 1 पल्ला, ये स्लीव्स और ये पीछे का पल्ला। इन स्लीव्स को हमें इसी तरह सिलाई लगाकर कंधों में जोड़ देना है, आगे भी और पीछे भी। अब हमने दोनों स्लीव्स सिलाई लगा के जोड़ ली है, इस तरफ की भी और इस तरफ की भी। अब ये जो हमने गाउन के ऊपर का पल्ला कट किया था ये डबल है। अब हमें इसे यहाँ से खुला रखना है। यहाँ से हमें पूरे में गोल सिलाई लगा लेनी है और गले में भी यहाँ से हमें पूरे में गोल सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस तरह गोल और बीच में भी गोल सिलाई लगा ली है। अब इस खुले हुए भाग से हमें इसे पलट लेना है। अब हमने इसे सिलाई लगाकर पलटा लिया है और इस पर हल्की सी प्रेस कर ली है। अब मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। अब इस वाले पल्ले पर, ये सीधा वाला भाग है, इसे इस तरह रखना है यहाँ से बिल्कुल बराबरी में और यहाँ से थोड़ा ऊपर, और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद ये भाग इस तरह से आ जाएगा। फिर इसे फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करना है इस तरफ से और इसे यहाँ रख कर यहाँ और यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और ये जो दूसरा वाला भाग है इस पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है, इसे भी हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है। इस तरफ से भी एक बार फोल्ड करके, इस तरफ से भी एक बार फोल्ड करके इसे हमें पीछे ही मोड़ देना है, ये पट्टी पीछे चली जाएगी। अब हमने इस ओर बटन पट्टी और इस ओर हमने कांच पट्टी लगा ली है और ये 2 हमने कांच भी कर लिए हैं। अब इस घेर वाले पल्ले पर
हमने एक और इस तरह से थोड़ी ज़्यादा चुन्नटें ली हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर हल्की हल्की, और जो भाग हमारा पीछे आएगा उसमें केवल बीच में हमने थोड़ी सी चुन्नटें डाली हैं। अब इस गोल भाग को हमने बीच में रख दिया है और इस तरह पिन लगाकर हमने इसे अटैच कर लिया है। अब एक एक पिन निकालते हुए हमें सिलाई लगाते जानी है। यहाँ से सिलाई लगाई, समझो एक पिन निकाली यहाँ तक लगाई, फिर ये पिन निकाली यहाँ तक लगाई, इस तरह हमें पूरा राउंड सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पूरे में सिलाई लगा ली है, एक के बाद एक दो सिलाई लगाई है हमने। किनारी वाला भाग है इसलिए मैं यहाँ से फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अब इस गाउन को इस तरह लेकर हमें यहाँ से स्लीव्स से सिलाई लगाना शुरू करना है और इन दोनों पल्लों को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दूसरी ओर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है।